मेरे साथ एक नई जगह, एक नई तारीखी जगह आपको लग जा रहा हूँ। आप आंखों देखिए नज़ारा, घर बैठे देखिए। यहाँ पर कोई होटल नहीं है, यहाँ पर कोई होटल नहीं है, इसलिए घर पे ही आप पूरा खाने पीने का आइटम तैयार करके आए तो आई नवाजी सुन। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मौजीज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। आज हमारे गांव के करीब ही एक छोटा सा डैम है, इसका आंखों की नज़ारा आपको घर बैठे दिखाना चाहता हूँ। आप गौर से देखिए, इस सफ़र का लुफ्त घर बैठे ही देखते रहिए। आज आपको एक छोटा सा डैम है जिसे दुम्मा संदरा कहते हैं, आपको वहाँ पर ले जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। मौजीज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि इंसान की पहचान नाम से नहीं होती, क्योंकि नाम, एक नाम ही लाखों लोग इस दुनिया में रहते हैं, मगर काम अच्छे करें तो इनका नाम भी होगा और इनका काम क़यामत तक भी ज़िंदा रहेगा। इसलिए आप इस दुनिया में जब तक रहते हैं कुछ ऐसे काम सरंजाम दो ताकि आपके जाने के बाद आपका नाम बाकी हो। मौत को हर इंसान मौत का मज़ा चखना ही है, मगर इंसानियत, इंसान मरता है मगर इंसानियत को मौत नहीं है। इसलिए इस दुनिया में अदब से रहो, मेल मिलाप से रहो, दुनिया रहने की जगह नहीं है। काम अच्छे करेंगे तो आपको जन्नत ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। वही लोग अच्छे हैं इस दुनिया में, वही लोग अच्छे हैं इस दुनिया में जो आते हैं काम दूसरों के। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को लेके चलो। मौजीज़ नाज़रीन, ज़िंदगी एक सफ़र मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आज मेरा 24वां एपिसोड है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलिए मेरे साथ पैदल ही इस डैम की आंखों देखी नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। डैम का जो पुल है बहुत छोटा है और आजू बाजू खंबिया भी नहीं है। ये पुल सिरात का रास्ता मेरी नज़र में दिख रहा है, इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गए तो बेहतर होगा, वरना अपनी जान को नुकसान भी होने के इम्कान है। ये एक तारीखी मकाम है, 1170 में दोमैया नायका ने इस गांव का बुनियाद डाली थी। ये होयसड़ा के राजा सेकेंड बल्लाड़ा जो राजा थे उनके ये सूबेदार रहा करते थे। ये डैम उन्हीं के नाम से ही दोम्मा समुद्रा डैम करके रखा है। माशाल्लाह काम तो पूरा पत्थर का ये है। ये जो वहाँ का राजा था दोमैया नायका, उसकी नाम से ही ये डैम का नाम रखे हैं, दोम्मा समुद्रा करके। उसके बाद मैसूर के शमशान में जो नागमल्ला के पहले MLA थे शंकर लिंगे गौड़ा ने 1940 में इस पुल की तामीर कराए हैं, मगर ये नदी नागमल्ला तालुक के बाजी एक छोटा सा खरिया है जिसे गिरिजना होसहली कहते हैं, वहाँ नदी ये पैदा होती है। ये वीरा वैष्णवी नदी है, ये तालाब नहीं है, वीरा वैष्णवी नदी है। इस नदी को दो जगह पुल डाले हैं, एक नल्लीगेरे डैम, दूसरा दम समुद्रा डैम। इस पानी में का इस्तेमाल लगभग 18 से 20 गांवों
इस्तेमाल करते हैं, यह सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से पानी होते हुए सामने मारकोई डैम वहाँ जाकर मिलता है, जो वहाँ शिमशा नदी रहती है। जबकि वीरा वैष्णव नदी, शिमशा नदी, ये दोनों मिलकर सामने शिव समुद्र, शिवना समुद्र जो पावर प्लांट है वहाँ जाकर, वहाँ से मेट्रो डैम कावेरी नदी मिलकर यह अरबी समुद्र मिलती है। माशाल्लाह, धूप रहने की वजह से मंजर तो बहुत लुत्फ हुआ। यहाँ सावधान से आना पड़ेगा, क्योंकि आजू बाजू कोई कोई पिलर या ग्रिल डालकर नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत होशियार से आइए। काम तो माशाल्लाह पूरा पत्थर का बना हुआ है, नदी फुल रहती है, पर आज फुल तो नहीं है। एक चार पाँच अड़ी अगर आ गई तो बाहर से इसका पानी गिरता है डैम से, पर इसका मंजर तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। धूप तो कड़ाके की है, बादल मंडला रहे हैं, हवा का दबाव है। देखिए मनाजिर खुदा के, आसमान तो बिल्कुल साफ ही साफ नज़र आ रहा है। काश इंसान भी अपना दिल साफ रख लिया तो उसका नमाज भी पूरे हो जाते, और जो हज करया था ये भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता। ये देखिए बाजू ही थोड़े थोड़े पैरियाँ रखे हैं, बहुत देरी से चलना पड़ेगा। ये देखो नदी के नीचे कुछ पत्ते हैं, दिल तो बाग बाग हो गया इसकी हरियाली देखकर, मगर बहुत डीप हैं। यहाँ तैरने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ तैरने की कोशिश ना करें, यहाँ अपनी जान खोना पड़ेगा। तालाब तो भरती है, मगर इस तालाब के लिए बाजू ही जो हेमावती डैम है वो लाइन इसे सेट करेंगी। अगर वो पानी वहाँ से आएगा तो मंजर माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये देखिए डैम के ऊपर ठहर कर देखने का मंजर माशाल्लाह बहुत है, आराम से खड़ कर देखिए। ऊपर से कूदने की या तैरने की फिजा ना बनाए, क्योंकि ये बहुत डीप है, अपनी जान खोना पड़ेगा। ये देखिए सामने का पुल जो स्ट्रेट है, जब पानी फुल होकर गिरेगा ये तो मंजर देखने के लायक होगा। अब चार पाँच अड़ी की कमी है, इसलिए वो बाहर से नहीं गिर रहा है। तालाब तो, नदी तो फुल हरी भरी है। यहाँ पर 6 से 7 रकम के मछलियाँ मिलती करके जो मच्छियाँ पकड़ने वाले थे उन्होंने हमसे कहा, मगर मंजर तो अच्छा है। यहाँ कोई होटलों का निज़ाम नहीं है, रास्ता तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखो अतराफ अकनाफ बारिश होने की वजह से हरा भरा मंजर दिख रहा है। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया, पानी भी फुल है माशाल्लाह। घर से ही खाने का निज़ाम लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये वन डे ट्रिप बनाई है, ये नागमंगला का मिनी कैरेज है, बहुत अच्छा है। एक दिन वक्त निकाल ले, क्योंकि वक्त निकाले तो निकल रहा सो, वरना आप बहाने में तो वक्त गुजर ही जाता है माशाल्लाह। देर से आकर इधर देखिए, ये बाजू का नज़ारा पूरा काम पत्थर और सीमेंट से बना हुआ है। 1940 में काम हुआ है। मैं बहुत अपनी जान हथेली में लेकर आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत है मरना, मदद खुदा है, फिर भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उतर कर यह नज़ारा दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चों को नीचे लाने की कोशिश ना करें, बच्चों को डैम के नीचे लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पूरा मंजर नीचे जो है पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए पैरियों के नीचे का नज़ारा, मैं तो सलाम कर रहा हूँ घट्टाएगी से, पर मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि जान हथेली पर लेकर मैं गया हूँ। दुनिया तो मेरी मुट्ठी में है, पर यहाँ मेरी कोई करामत नहीं चलती। बहुत डरते हुए यहाँ पर जा रहा हूँ। हवा का दबाव तो लगातार है, धूप कड़क है, बारिश के इम्कान तो नहीं है। मंजर तो अच्छा है, मगर बहुत डर लग रहा है। यहाँ आप आएंगे तो बच्चों के साथ ना आएँ तो बेहतर है, क्योंकि आपकी छोटी सी गफलती आपकी जान लेना
ले जाएगी, इसलिए आप उतर कर इसका नज़ारा, आंखों देखी नज़ारा देखिए। मगर घर से ही आप खाने का निज़ाम बना कर आए तो इस सैर का मज़ा, एक दिन का मज़ा बहुत कामयाब होगा। मैं चलना चाहता था सामने भी, मगर ये तो पुल सिरात का पुल मुझे नज़र आया, इसलिए मैं वापस फिर से वो पैरों पर सड़कों के ऊपर आ गया। हवा का दबाव बहुत है, डर भी लगता है, नीचे उतरने की फिजा ना करें। ये देखिए खुदा के मंजर, बारिश होने की जगह से हर जगह हरा भरा नज़र आ रहा है। ऊपर तो माशाल्लाह खड़ने का निज़ाम तो बहुत अच्छा है, मगर बच्चों को यहाँ पर ले जाने की कोशिश ना करें। बाजू ही ये गरीबों के खजूरा के दिन संदोल है, ये झाड़ा बल्ला के हैं और जो जहरीले जानवर भी यहाँ रहते हैं, इसलिए आप बच्चों को वही दूर पर ही बिठा कर आप खुद जो बड़े घर के मेहमान हैं फैमिली के, वो आकर देखें तो मंजर तो आपको दिखे नज़ारा आप देखिए। अतरा को पानी होने की वजह से मंजर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, धूप का कोई फुल ही धूप है, बारिश का इम्कान नहीं है। ये छोटा सा पुल, आजू बाजू ग्रिल नहीं है, यहाँ बहुत तेज़ी से नहीं आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को इतना भी काबिल ना समझ आए नादा, हमने अच्छे अच्छे मंजिल गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये देखिए नदी का वीरा वैष्णवी नदी है, ये दूर का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। धूप रहने की वजह से माशाल्लाह मंजर तो दिल में लगने का मंजर है, ये बड़ा सुकून की जगह, तसल्ली से आइए, सुकून से आइए। ये देखिए डैम के दूसरा सेट आपको दिखा रहा हूँ, पूरा काम पत्थरों से किया गया है, मेरी नज़र में 70 से या 80 साल तक हुए हैं माशाल्लाह, उस दौर में वो जो काम किए हैं काबिल कबूल है। आज की टेक्नोलॉजी और उस दौर की टेक्नोलॉजी जब को टैली करेंगे तो पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, पूरा चुने गारा गुड़ अंडे थोड़ा सीमेंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, माशाल्लाह बहुत है। इधर नीचे उतरने की फिजा ना बनाए, क्योंकि यहाँ जहरीले सांप होने के भी इम्कान है। अतराफ बारिश होने की वजह से हरा भरा भी है और आपको जान को भी नुकसान होने के इम्कान है। मैं पानी नहीं रहने की वजह से यहाँ पर उतर कर जो पानी फुल होने के बाद चेक डैम खोलते हैं वो गेट आपको दिखा रहा हूँ, आप होशियार बरतें और नीचे उतरने की कोशिश ना करें। माशाल्लाह पूरा काम तो पत्थरों से किया गया है, कारीगरी देखो कितनी प्यारी लग रही है, आसमान भी एकदम साफ है, आपका दिल भी साफ हो तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए बाजू का किनारा, जो पानी ज़्यादा होगा यहाँ पर जाएगा, मगर यहाँ भी कांटेदार रहीं, आप जाने की फिजा ना करें, मगर मंजर तो अच्छा। दुम्मा समुद्र जो डैम है नागमला से 15 किलोमीटर होता है, मंड्या से 505 किलोमीटर होता है, मैसूर से 85 किलोमीटर होता है, येडियूर से 12 किलोमीटर होता है और बेंगलुरु से 105 किलोमीटर होता है। यहाँ पर कोई रास्ता तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसलिए आप टू व्हीलर या आपकी कार में आए हैं तो आई नवाज होगी, मगर यहाँ पर होटलों का कोई निज़ाम नहीं है, आप घर से ही फिर से तैयार करके लेकर आकर इस सफ़र का कामयाबी के लिए आप आएँ तो बेहतर होगा। नाज़रीन हालत हाज़िरा, इस वक्त COVID-19 कोरोना महामारी बीमारी का वक्त चल रहा है, आप तमाम से फिर से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि घूमने फिरने की फिजा ना करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाए और डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि इस बीमारी को जड़ से ही निकाल सके। कल आपको कुछ नए तारीखी मकामात दिखाऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।